त्योहारों के इस मौसम में डेबिट और क्रेडिट कार्ड धारकों को झटका लग सकता है। फेस्टिव सीजन में 90 करोड़ से अधिक डेबिट और क्रेडिट कार्ड धारकों का कार्ड बंद हो सकता है। रिजर्व बैंक ने कार्ड जारी करने वाले विदेशी कंपनियों के लिए एक नियम जारी किया था, जिसके तहत उन्हें 6 महीने का वक्त दिया गया था। देश में ज्यादातर बैंक अपने ग्राहकों को मास्टर कार्ड या फिर वीजा का डेबिट क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं। आरबीआई ने इस विदेशी पेमेंट गेटवे कंपनियों को देश में अपना सर्वर लगाने के लिए 15 अक्टूबर तक की मोहलत दी थी। ये समय सीमा 15 अक्टूबर को समाप्त हो रही है। रिजर्व बैंक ने समय सीमा बढ़ाने की अपील को पूरी तरह से नकार दिया है। पेमेंट गेटवे कंपनियों में इस संबंध में 5 अक्टूबर को वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा था और समय सीमा आगे बढ़ाने का आग्रह किया था। कंपनियों की दलील है कि डाटा स्टोर करने में करीब 2 साल का वक्त लगेगा, लेकिन आरबीआई की तरफ से कंपनियों को छूट नहीं मिली है। रिजर्व बैंक का फैसला आने के बाद ग्राहकों का त्योहारी सीजन फीका रहने की आशंका है। नोटबंदी के बाद से देश में डेबिट और क्रेडिट कार्ड का चलन काफी बढ़ा है। ज्यादातर लोग कार्ड के जरिए ही खरीदारी करते हैं। भारत ने भी अपना रुपे डेबिट क्रेडिट कार्ड जारी किया है, लेकिन अभी रुपे कार्ड रखने वालों की संख्या काफी कम है। अगर डेबिट और क्रेडिट कार्ड बंद होते हैं तो फिर लोगों के पास कैश के अलावा यूपीआई, नेट बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट जैसे भुगतान के विकल्प ही बचेंगे। लेकिन इनसे भी वो लोग भुगतान कर सकेंगे जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन हो और वो ऐसे ऐप का प्रयोग करना जानते हों। अगर 90 करोड़ के आसपास क्रेडिट और डेबिट कार्ड बंद हो जाते हैं तो इससे लोगों के पास कैश की किल्लत हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।